ओडिशा के पुरी में श्री जगन्नाथ मंदिर के सभी चारों द्वार को गुरुवार को एक बार फिर से खोल दिया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान बालासोर से सांसद प्रताप चंद्र सारंगी और अन्य मंत्री भी मौजूद रहे। राज्य की नव निर्वाचित बीजेपी सरकार ने बुधवार को पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर के सभी चार द्वारों को फिर से खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। सरकार ने मंदिर से जुड़े अहम मुद्दों की देखभाल के लिए 500 करोड़ रुपए के विशेष कोष का भी ऐलान किया था। बता दें कि उड़ीसा के मंत्री सूर्यवंशी सूरज ने कहा कि चुनाव के दौरान हमने कहा था कि हम सभी चार द्वार फिर से खोलेंगे। मंदिर के सभी चार द्वार आज खुलने जा रहे हैं। मंत्री परिषद के सभी सदस्य यहाँ मौजूद है, CM भी मौजूद है। साथ ही विकास परियोजनाओं के लिए 500 करोड़ रुपए के कॉर्पस फंड की भी घोषणा की गई है। हमने कल शपथ ली और आज हम द्वार खोल रहे हैं। बता दें कि प्रस्ताव को मंजूरी देने के बाद मोहन चरण मांझी ने कहा कि राज्य सरकार ने गुरुवार सुबह सभी मंत्रियों की मौजूदगी में पूरी जगन्नाथ मंदिर के सभी चार द्वार फिर से खोलने का फैसला किया है। श्रद्धालु सभी चार द्वारों से मंदिर में प्रवेश कर सकेंगे। मांझी ने आगे कहा कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को द्वार बंद होने की वजह से परेशानी हो रही थी और हाल ही में लिए गए फैसले से उनकी यात्रा आसान हो जाएगी। बीजेपी ने अपने विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र में श्री जगन्नाथ मंदिर के सभी द्वार खोलने का वादा किया था।